तो स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में आज के वीडियो में हम कार करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन तो मटेरियल मैनेजमेंट स्टडी मटेरियल एम सी क्यू फॉर से एम टी एडमिन के लिए क्वेश्चन है और इन्वेंटरी के कंट्रोल भी इसके अंतर्गत ले जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर वन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फॉर मेनी प्रोडक्ट्स आर डैश फोर्सिंग कंपनीज टू नॉट ओनली बिकम डैश इन डिजाइन बट अल्सो द कम्युनिकेट चेंज एंड नीड टू सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स तो ऑप्शन नंबर ए वन में दिया है श्रिंकिंग रैपिडली मोर फ्लैक्सीबल ऑप्शन नंबर टू में दिया है श्रिंकिंग रैपिडली लेज फ्लैक्सीबल ऑप्शन नंबर थ्री में दिया है ग्रोविंग रैपिडली मोर फ्लैक्सीबल एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया है ग्रोविंग रैपिडली लेज फ्लैक्सीबल तो क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट right आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर वन श्रिंक श्रिंकिंग रैपिडली मोर फ्लेक्सिबल पहले जो डैश है उसमें श्रिंकिंग रैपिडली आएगा दूसरे डैश में आएगा मोर फ्लेक्सिबल अगर इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल फॉर मेनी प्रोडक्ट्स आर श्रिंकिंग रैपिडली फोर्सिंग कंपनीज टू नॉट ओनली बिकम मोर फ्लैक्सीबल इन डिजाइन बट बॉटल्सो कम्युनिकेट चेंज एंड नीड टू सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है ऑल पोर्शन ऑफ द मटेरियल प्रोडक्शन फ्रॉम डैश टू डैश आर कंसिडर्ड टू बी आर लिंक चेन अंडर द सप्लाई चेन कंसेप्ट ऑप्शन नंबर वन में दिया है वर्क इन प्रोसेस फाइनल कस्टमर ऑप्शन नंबर टू में दिया है रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया वर्क इन प्रोसेस रॉ मटेरियल एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया रॉ मटेरियल फाइनल कस्टमर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह जाता है ऑप्शन नंबर फोर रॉ मटेरियल फाइनल कस्टमर ऑल पोर्शन ऑफ द मटेरियल प्रोडक्शन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल कस्टमर आर कंसिडर्ड टू बी अ लिंक चेन अंडर द सप्लाई चेन कंसेप्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है to get the most profit a company should dash option number one may they have provide little customer service option number two may they have provide high production cost option number third, may they have provide the lowest inventory investment and option number four may they have provide the highest डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री प्रोवाइड द लोवेस्ट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट और ये आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है इन्वेंटरी के ऊपर का इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है फाइनेंस मस्ट किप इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट लो दिस कैन बी डन बाय डैश ऑप्शन नंबर वन में दिया है इंक्रेजिंग इन्वेंटरी सो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज एट अ मैगजिम ऑप्शन नंबर टू दिया है डिस द नंबर ऑफ प्लांट एंड वेयर हाउस ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया प्रोड्यूसिंग स्मॉल कंट्रीज एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया यूजिंग शॉर्ट प्रोडक्शन ड्रंस तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट right आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू डिसक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड वेयर हाउसेस इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है क्वेश्चन नंबर फाइव है टूडे द कंसेप्ट ऑफ डैश मैनुफैक्चरिंग ट्रेड द नीड टू सप्लाई कस्टमर्स विद वाट द्ट दे वांट When दे वांट इट एंड द कीप इज एट अ डैश तो क्वेश्चन नंबर फाइव में जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर वन में दिया है टी क्यू एम मैगजिमम ऑप्शन नंबर टू में दिया है सिक्स सिगमा मैगजिम ऑप्शन नंबर थर्ड में, में दिया है जे आई टी मिनिमम एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया आई एस वो नाइन थाउजेंड मिनिमम तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जीत मिनिमम Today, द कंसेप्ट ऑफ जे आई टी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेज द नीड टू सप्लाई कस्टमर विथ वाट दे वांट वेन दे वांट इट 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 एंड टू टू कीप इटरी एट जीत सॉरी मिनिमम ठीक है तो ये जो एक बार इसको और देख लेते रिपीटेड कर लेते हैं टूडे द कंसेप्ट ऑफ पहली तो डैश है उसमें आएगा जीत जे आई टी मैनुफैक्चरिंग ट्रेज द नीड टू सप्लाई कस्टमर विद वार दे वांट वेन दे वांट इट एंड टू कीप इटरीज एट मिनिम ठीक है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्वेश्चन नंबर सिक्स है पहले ही डैश दिया है इसके बाद एंड है फिर डैश है आर कॉल दैट इंक्रीज और डिसक्रीज विद द क्वालिटी सोल्ड तो ऑप्शन नंबर वन में दिया है द्या डायरेक्ट द्या लेबर इन मटेरियल ऑप्शन नंबर सेकेंड है डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल ऑप्शन नंबर थर्ड है इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटेरियल ऑप्शन नंबर फोर्थ इज इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन अगर कंप्लीट देखना है तो डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल आर कॉस्ट दैट इंक्रीज ऑफ डिक्रीज विद द क्वालिटी सोल्ड ठीक है आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में पूछा गया है इसके बाद दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सेवन है इज द कैपेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस क्वेश्चन नंबर सेवन है डैश इज द कैपेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज तो ऑप्शन नंबर वन में दिया है कैपेसिटी ऑप्शन नंबर टू में दिया है प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है प्लानिंग एंड ऑप्शन नंबर फोर कंट्रोल तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन कैपेसिटी इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट है Question number eight is dash is responsible for analyze the marketplace and deciding the firm uh, response the market to be served dash, uh, sorry comma, the products supplied comma, and desired le uh, levels of customer service. Question number 8 is the dash is responsible for analyzing the marketplace and deciding to the firm response the market to be served, the product supply, and deserve le uh, level of customer service. Option number 1 is the marketing, option number 2 is the finance, option number 3 is the production, and option number 4 is the engineering. This is the correct answer. Wajayanga wajayanga. Option number 1 marketing. मार्केटिंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द मार्केट प्लेस एंड डिसाइडिंग द फ्रॉम रिस्पॉन्स द मार्केट टू बी और द प्रोडक्ट सप्लाई एंड डिजायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है क्वेश्चन नंबर नाइन है डैश मस्ट सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ द मार्केट प्लेस इट डज सो बाय यूजिंग प्लांट्स मशीनरी इक्विपमेंट लेबर एंड मटेरियल एज इफिशियंटली एज पॉसिबल ऑप्शन नंबर वन में दिया मार्केटिंग सेकंड में दिया फाइनेंस थर्ड में दिया प्रोडक्शन एंड फोर्थ में दिया इंजीनियरिंग तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट right आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोडक्शन इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन है क्वेश्चन नंबर टेन है द डैश इज द प्लान फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड आइटम्स ऑप्शन नंबर वन है एम ऑप्शन नंबर टू है जे ऑप्शन नंबर थर्ड एम आर पी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ इज एम तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा एम पी yes. एस इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एलेवन है क्वेश्चन नंबर एलेवन है परचेसिंग एंड डैश रिप्रेजेंट द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल फेस ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑप्शन नंबर वन में दिया प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल पी ए सी ऑप्शन नंबर टू में दिया मटेरियल रिकमेंडेशन प्लानिंग एम आर पी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया जस्ट इन टाइम जे आई टी एंड ऑप्शन नंबर फोर इज मार्केटिंग तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी आपको पी का लॉन्ग फॉर्म भी पूछने का आ सकता है एम का लॉन्ग फॉर्म पूछने का लग सकता है और जे का भी लॉन्ग फॉर्म पूछने को आ सकता है तो एक क्वेश्चन के अंदर का आपके दो चार क्वेश्चन कवर हो रहे हैं जैसे पी का अगर आपको लॉन्ग फॉर्म पूछने को आता है पी एच सी मीन्स तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल और एम जो होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड जे आई इज अ जस्ट इन टाइम तो क्वेश्चन नंबर इलेवन जो है परसेसिंग एंड डैश रिप्रेजेंट द इम्प्लेस इम्प्लीमेशन एंड कंट्रोल फेस ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल जिसे पी बोलते हैं इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बारह है तो क्वेश्चन नंबर बारह है अ डैश स्ट्रैटर्जी मीन्स प्रोड्यूसिंग द अमाउंट डिमेंडेड एट एनी गिवन टाइम ऑप्शन नंबर वन में दिया प्रोडक्शन लेवलिंग ऑप्शन नंबर टू में दिया चेस ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है सम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया है टी क्यू एम तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू चेस इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इन द डैश एवर में क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इन द डैश इन्वायरमेंट्स सर्बर प्रोडक्ट्स ऑप्शन एग्जिट इन ब्रैकेट इजी ऑटोमोबाइल्स ब्रैकेट क्लोज एंड द कस्टमर इज नॉट विलिंग टू वेट अंटिल द प्रोडक्ट इज मेड दे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड स्टॉक स्टॉक स्टैंडर्ड कंपोन पार्ट ऑप्शन नंबर वन इज अ मेक टू ऑर्डर ऑप्शन नंबर सेकंड इज असेंबल टू ऑर्डर ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ लेवल प्रोडक्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अ मेक टू स्टॉक तो ये आई एम पी क्वेश्चन हो जाता है इसके पहले दो तीन बार एग्जाम में पूछा जा चुका यह क्वेश्चन तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड असेंबल टू ऑर्डर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोरटीन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑप्शन नंबर वन में दिया है प्रोडक्शन प्लानिंग ऑप्शन नंबर सेकंड है अर्चविंग द फॉरकास्ट ऑप्शन नंबर थर्ड है मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड इन्वेंटरी लेवल एंड ऑप्शन नंबर फोर इज द मेंटेनिंग द प्लान बैकलॉग तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन प्लानिंग तो ये भी आई एम पी क्वेश्चन हो जाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है द मोस्ट ऑफ अ डैश दैट इज टू लार्ज इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ टर्निंग अवे बिजनेस ऑप्शन नंबर वन में दिया प्रोडक्शन प्लान ऑप्शन नंबर बी में दिया बैकलॉग ऑप्शन नंबर थ्री में दिया रिसर्च प्लान एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया कैपेसिटी प्लान तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का जो राइट आंसर हो जाता है हो जाता है ऑप्शन नंबर टू बैकलॉग द कॉस्ट ऑफ अ बैकलॉग दैट इज टू लार्ज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग फर्निंग अवे ए बिजनेस इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है द एम आर पी फॉर्म्स ऑफ विच आर लिंक बिटवीन सेल्स एंड प्रोडक्शन एज फॉलो ऑप्शन नंबर वन में दिया था एम आर पी में पॉसिबल वैलिड ऑर्डर प्रोमिसज ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है द एम आर पी इज प्लान ऑफ वाट इज टू बी प्रोडक्ट एंड वेन ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है द एम आर पी इज द कंट्रैक्ट बिटवीन मार्केटिंग एंड मैनुफैक्चरिंग एंड ऑप्शन नंबर फोर इज द ऑल ऑफ़ द अबो तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो राइट आंसर हो जाता है वह जाता है क्वेश्चन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ़ दी अबो इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है द इनफॉमेशन नीडेड टू डेवलप एंड एम आर पी इंक्लूड क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डेवलप एंड एम आर पी इंक्लूड ऑप्शन नंबर वन में दिया द प्रोडक्शन प्लान ऑप्शन नंबर टू में दिया है फॉरेस्ट फॉरकास्ट फॉर इंडिविजुअल एंड आइटम ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है एक्चुअल ऑर्डर रिशिविंग रिशिव फॉर कस्टमर एंड फॉर स्टॉक रिप्लेसमेंट एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ऑल ऑफ दी अब तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का भी राइट आंसर हो जाता है हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ दी अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन है क्वेश्चन नंबर एटीन है ए शेड्यूल इज सेटिस्फैक्ट्री वैन क्वेश्चन नंबर एटीन इज द शेड्यूल इज सेटिसफेक्टरी वेन ऑप्शन नंबर वन इज द कैपेसिटी इज ग्रेटर दैन द प्रोडक्शन प्लान ऑप्शन नंबर टू इज द इट इज डजेंट स्पेसीफाई टू द प्लांट वेन द स्टार्ट प्रोडक्शन ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द कैपेसिटी इज कंसिडर्ड विद द प्रोडक्शन प्लान एंड ऑप्शन नंबर फोर इज द इज डजेंट रिस टू द प्लांट वेन टू स्टॉप प्रोडक्शन तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड कैपेसिटी इज कंसिडेंट विद द प्रोडक्शन प्लान इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एट टू रीच इट्स ऑब्जेक्टिव द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल मस्ट ऑप्शन नंबर वन में दिया है सेटिसफाई कस्टमर डिमांड ऑप्शन नंबर टू में दिया है बी आउटसाइड द कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द बी आउटसाइड द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोडक्शन प्लान एंड ऑप्शन नंबर फोर इज़ द बी आउटसाइड बोट द कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड द गाइडलाइंस ऑफ द प्रोडक्शन प्लान तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर वन सेटिसफाइज कस्टमर डिमांड इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग इन एम पी एस इज ऑप्शन नंबर वन में दिया है रिसॉल्व डिफरेंस बिटवीन द प्रेलिमिन्री एम पी एस एंड द कैपेसिटी अवेलेबल ऑप्शन नंबर टू में देक द प्रेमिनरी एम आर पी अगेंस अवेलेबल कैपेसिटी ऑप्शन नंबर थर्ड है डेवलपर प्रेमिनरी एम आर पी एंड ऑप्शन नंबर फोर इज द डेवलप अ रफ कट कैपेसिटी प्लान तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड डेवलपर प्रेमिनरी एम आर पी इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द अवेलेबल कैपेसिटी बाय ऑप्शन नंबर वन में जहा है यूजिंग फेवर वर्कर्स ऑप्शन नंबर टू में दिए शेडुलग ओर टाइम ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है लिमिटिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया है रिरोटिंग अवे फ्रॉम द अदर वर्क सेंटर तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड शेड्यूलिंग ओर टाइम इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इन द डैश इन्वायरमेंट मेनी डिफरेंस एंड आइटम आर मेड फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ कम्पोनेंट्स ऑप्शन नंबर वन में दिया है मेक टू स्टॉक ऑप्शन नंबर टू में दिया है मेक टू ऑर्डर ऑप्शन नंबर थ्री में दिया है असम्बल टू ऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया है इंजीनियरिंग टू ऑर्डर तो ये भी आई एम पी क्वेश्चन हो जाता है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर टू मेक टू ऑर्डर और आई एम पी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है इन द मेक टू ऑर्डर इन्वायरमेंट मे डिफरेंस एंड आइटम आर मेड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपोनेट इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है इन द डैश इन्वायरमेंट मेनी एंड आइटम कैन बी मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस कंपोनेंट एंड सब सब असेंबलीज ऑप्शन नंबर वन में जाए मेक टू स्टॉक ऑप्शन नंबर टू में दिया है मेक टू ऑर्डर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया असेंबली टू ऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया है इंजीनियरिंग टू ऑर्डर तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड असेंबली टू ऑर्डर ठीक है इन दसेंबली टू आर्डर इन्वायरमेंट मैनी आइटम मैनी एंड आइटम कैन बी मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक्स कम्पोनेंट्स एंड सब सब असेंबलीज तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो है इन द डैश इन्वायरमेंट मेनी डिफरेंट एंड आइटम आर मेड फ्रॉम स्मॉल नंबर ऑफ कम्पोनेंट्स और इधर पूछा गया है बेसिक कंपोनेंट एंड सब असेंबली ठीक है तो असेंबली का जो क्वेश्चन आएगा उसमें असेंबली टू ऑर्डर आएगा और कंपोनेंट्स का आएगा तो मेक टू ऑर्डर आएगा ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है द साइड्स एंड्स लेग्स एंड टॉप ऑफ टेबल्स आर डैश डिमांड आइटम ऑप्शन नंबर वन में दिया है डिपेंडेंट ऑप्शन नंबर टू में दिया है इनडिपेंडेंट ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है फोर कॉस्ट ऑप्शन नंबर फोर में दिया है कैलकुलेटेड तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन डिपेंडेंट इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है सिंस डैश डिमांड इज नॉट रिलेटेड टू द डिमांड फॉर एनी अदर असेंबली आर प्रोडक्ट इट मस्ट बी ऑप्शन नंबर वन में दिया है डिपेंडेंट और फॉरकास्ट ऑप्शन नंबर टू में दिया है डिपेंडेंट और कैलकुलेटेड ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है डिपेंडेंट और फॉरकॉस्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया है इनडिपेंडेंट एंड कैलकुलेटेड तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इंडिपेंडेंट एंड कैलकुलेटेड मतलब पहला जो रिक्त स्थान है उसमें इंडिपेंडेंट आएगा और सेकंड में आएगा कैलकुलेटेड इसको कंप्लीट अगर देखना है तो सिंस इंडिपेंडेंट डिमांड इज नॉट रिलेटेड टू द डिमांड फॉर एनी अदर असेंबलीज और प्रोडक्ट्स इट मस्ट बी कैलकुलेटेड इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ऑल मेजर इनपुट्स टू द एम सिस्टम इंक्लूड ऑप्शन नंबर वन में दिया मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड बिल ऑफ मटेरियल ऑप्शन नंबर टू में दिया बिल ऑफ मटेरियल एंड इन्वेंटरी रिकॉर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है इन्वेंटरी रिकॉर्ड एंड मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इन्वेंटरी रिकॉर्ड एंड बिल ऑफ मटेरियल तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का जो राइट आंसर हो जाता है हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इन्वेंटरी रिकॉर्ड एंड बिल ऑफ मटेरियल इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है द डैश इज द स्टेटमेंट ऑफ विच एंड आइटम आर टू बी प्रोडक्स प्रोड्यूस देयर क्वान्टिटी एंड द डेट दे आर टू बी कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन इज द डैश इज द स्टेटमेंट ऑफ विच एंड आइटम आर टू बी प्रोड्यूस देयर क्वान्टिटी एंड द डेट दे आर टू बी कम्प्लीटेड ऑप्शन नंबर वन है एम आर पी ऑप्शन नंबर टू है एम एस पी सॉरी एम पी एस ऑप्शन नंबर थर्ड है इन्वेंटरी रिकॉर्ड एंड ऑप्शन नंबर फोर इज द बिल ऑफ मटेरियल तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू एम पी एस इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है द बिल ऑफ मटेरियल शो ऑल द दार्ट रिक्वायर्ड टू मेक डैश ऑप्शन नंबर वन में दिया वन आइटम ऑप्शन नंबर टू में दिया एम पी आर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी ऑप्शन नंबर फोर में दिया रॉ मटेरियल इन्वेंटरी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन आइटम द बिल मटेरियल शो ऑल द parts required टू मेक वन आइटम ठीक है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है ए डैश इज यूज वेन कंपनीज यूजली मेक मोर दैन वन प्रोडक्ट्स एंड द सेम कम्पोन आर ऑफन यूज इन सर्वल प्रोडक्ट्स ऑप्शन नंबर वन में दिया सिंगल लेवल बिल ऑप्शन नंबर टू में दिया मल्टीपल बिल ऑप्शन नंबर थ्री में दिया मल्टी लेवल बिल ऑप्शन नंबर फोर में दिया प्रोडक्ट थ्री तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू मल्टीपल बिल इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी है क्वेश्चन नंबर थर्टी है फाइनेंशियली फाइनेंशियली इन्वेंटरी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड रिप्रेजेंट डैश ऑफ द टोटल अर्थेट ऑन द बैलेंस शीट ऑप्शन नंबर वन में दिया टेन परसेंट टू फोर्टी फाइव परसेंट ऑप्शन नंबर टू में ट्वेंटी फाइव परसेंट टू फोर्टी परसेंट ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया ट्वेंटी टू सिक्स परसेंट एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया फिफ्टी टू एटी परसेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड ट्वेंटी टू थर्टी थ्न टू सिक्सटी परसेंट और ये आई एम पी क्वेश्चन हो जाता है इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है आर प्रोसेस आर परचेस आइटम क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है डैश आर परचेस आइटम रिश्ड दैट हैव नॉट इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस दे इंक्लूड परचेस मटेरियल कंपोनेंट्स पार्ट एंड सब असेंबली ऑप्शन नंबर वन में दिया है रॉ मटेरियल ऑप्शन नंबर टू में दिया है वर्किंग प्रोसेस ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है फिनिश गुड एंड ऑप्शन नंबर फोर इज है ए एम आर वो सप्लाइज तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है हो जाता है ऑप्शन नंबर वन रॉ मटेरियल्स इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है डैश इंक्लूड हैंड टूल्स पेयर पार्ट्स लुब्रिकेंट्स एंड क्लीनिंग सप्लाइज ऑप्शन नंबर वन में दिया रॉ मटेरियल ऑप्शन नंबर टू में दिया वर्क प्रोसेस ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया फिनिश गुड एंड ऑप्शन नंबर फोर इज एम आर सप्लाइज तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर फोर एम आर ओ सप्लाइज एम आर ओ सप्लाइज इंक्लूड हैंड टूल्स स्पेयर पार्ट लुब्रिकेंट्स एंड क्लीनिंग सप्लाइज इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है डैश इन्वेंटरी इज हेल्ड टू कवर एंड अनप्रेडिकेबल चार्जेस इन सप्लाई एंड डिमांड और लीड टाइम ऑप्शन नंबर वन में दिया है एंटीशिपेशन ऑप्शन नंबर टू में दिया है फ्लूटिक फ्लू ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है लॉर्ड साइज एंड ऑप्शन नंबर फोर इज है ट्रांसपोटेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह जाता है ऑप्शन नंबर टू फ्लुक्ट फ्लूक्टेशन ठीक है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है स्टोरिंग इन्वेंटरी रिक्वायर्स डैश एंड एज इन्वेंटरी इंक्रीजेस सो डू धिस कॉस्ट ऑप्शन नंबर वन में दिया स्पेट एंड वर्कर्स ऑप्शन नंबर टू में दिया है वर्कर्स एंड इक्वायमेंट ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है स्पेस एंड इक्वायमेंट ऑप्शन नंबर फोर में दिया है स्पेस वर्कन एंड वर्कर एंड इक्वायमेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर स्पेस वर्कर एंड इक्वायमेंट इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी है क्वेश्चन नंबर थर्टी है द रिक्स एनी केरिंग इन्वेंटरी आर ऑप्शन नंबर वन में दिया है अपसोलेंस एंड डैमेज ऑप्शन नंबर टू में दिया है डैमेज एंड पिल फेज ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है फिल फेरेज एंड डिटरेशन ऑप्शन नंबर फोर इज आप्सोलेशन डैमेज पिल फेरेज एंड डिटरेशन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर ऑप्सोलेशन डैमेज फिल फेरेज एंड डिटरेशन इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है इज द कॉस्ट इनक्लूड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेवेन्यू क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डैश इज द कॉस्ट इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रेवेन्यू क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर वन में दिया इनकम ऑप्शन नंबर टू में दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया एक्सपेंसेस ऑप्शन नंबर फोर में दिया है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर एक्सपेंसेस इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है ए इन ब्रैकेट एन डैश लिस्ट ऑल द पार्ट ट असेंबली ऑप्शन नंबर वन में दिया दिया है पार्ट लिस्ट ऑप्शन नंबर में है इंडिटेड बिल ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है मल्टी लेवल बिल ऑप्शन नंबर फोर में दिया है सिंगल लेवल बिल तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर वन समराइज पार्ट लिस्ट सॉरी आई एम पी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ multiplying the requirements by the usage, uh, usage quality qu usage quantity and recording the appropriate requirements through the products free. question number 38 hai, dash is the process of multiplying the requirements by the usage quantity and recording the appropriate require requirement through the product free option number one with the offsetting option number two with the planning order option number three Me the lead time and option number four is the exploding तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर फोर एक्सप्लोडिंग इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है डैश मीन्स दैट ऑथोराइजेशन इज गिवन टू परचेस टू बाय द नेसेसरी मटेरियल और टू मैन्युफैक्चरिंग टू द मेक द कंपोनेंट्स ऑप्शन नंबर वन में दिया प्लान ऑर्डर रिलीज ऑप्शन नंबर टू में दिया रिलीजिंग एंड ऑर्डर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया शेड्यूल रिसिप्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर में दिया ओपन ऑर्डर तो थर्टी नाइन का जो राइट right आंसर हो जाता है हो जाता है रिलीजिंग रिलीजिंग एंड ऑर्डर दैट ऑर्डराइजेशन इज गिवन टू परचेसिंग टू बाय द नेसेसरी मटेरियल और टू मैन्युफैक्चरिंग टू मेक द कंपोनेंट्स इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अगला जो वीडियो है कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी है तो इस वीडियो का लास्ट है, मतलब पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन है अगले जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में कवर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी है डैश आर आर्डर प्लेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग आर ऑन अ वर्डन एंड रिप्रेजेंट अ कमिटमेंट टू मेक मेक आर बाय क्वेश्चन नंबर फोर्टी इज आर ऑर्डर प्लेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग आर ऑन अ वेंडर एंड रिप्रेजेंट अ कमिटेटेड टू मेक आर बाय ऑप्शन नंबर वन में दिया प्लान ऑर्डर रिलीज ऑप्शन नंबर टू में रिलीजिंग ऑर्डर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया शेड्यूल रिसिप्ट एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ओपन ऑर्डर तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड शेड्यूल रिसिप्ट शेड्यूल रिसिप्ट आर ऑर्डर प्लेस ऑन मैनुफैक्चरिंगर एंड रिप्रेजेंट एट कमिटमेंट टू मेक आर बाय इसके बाद करेक्ट आंसर है वो शेड्यूल्ड रिसिप्ट हो जाता है ठीक है तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इन्वेंटरी कंट्रोल और मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर तो और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एम सी क्यू की ये पी डी एफ है तो अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे अभी तक आपने हमारे चैनल हेलो टीचर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए थैंक यू धन्यवाद